Alright, so like I said, this session is mainly dependent on some of the major sustainable goals that we are going to discuss. That is no poverty, zero hunger and reduce inequality. So firstly, I would like to call upon Mr. Mayank Gandhi here on the stage at the podium to kindly share his thoughtful ideas with all of us in this room. A big, big round of applause for him, everyone. Namaste. Nahi maja aaya. Namaste. Thoda thoda chalega. मेरा नाम मयंक गांधी है. मुझे हमारे मित्र कह रहे थे कि बहुत इंग्लिश हो गया, थोड़ा हिंदी में बोले हैं. तो मैं हमको कह रहा था मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलता हूँ, इंग्लैंड से आया नहीं हूँ. तो मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था, 23 देशों को कंसल्टेंसी करता था कि अर्बन प्लानिंग कैसे की जाए. और विश्व में देखता था कि आम आदमी कैसे डिग्निटी से जी रहा है, और लगता था कि अपने देशवासी कैसे ऐसी ज़िंदगी जी सके. और फाइनली सब कुछ इकोनॉमी के ऊपर है. कुछ सदी पहले हम लोग को सोने की चिड़िया बोलते थे, 33% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. आज 7% हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी हो गए हैं. तो शायद इंडिया कभी डूब भी जाए तो बाकी का विश्व बोलेगा यार इट वॉज अ गुड कंट्री है, हो गया. मीनिंग टू बिकम रेलिवेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी के सिवा कोई रास्ता नहीं है. और फिर वहाँ की ज़िंदगी देख के मुझे लगा मैं भी देश में कुछ करूँ, और मैं यहाँ आया और अन्ना जी के साथ काम शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे कानून बनाए. और उसके बाद केजरीवाल जी मिले, कहीं बोले कि एक मूवमेंट शुरू करना है करप्शन के विरुद्ध. तो फिर उस समय तो मैंने उनको मना कर दिया था, मैं बहुत अध्यात्म में चले गया था. लेकिन उन्होंने ऐसे बड़ी मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया, और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लीड किया इस पार्ट ऑफ इंडिया में. उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी. लेकिन 2015 का चुनाव जीतने के बाद यह लगने लगा कि यार मैं पॉलिटिक्स के लायक हूँ ही नहीं, पॉलिटिक्स को अलग जानवर है और मेरे को नहीं जमेगा. लेकिन वो कीड़ा तो था कि देश को कैसे बदले. तो पॉलिटिक्स तो मैंने 2015 में छोड़ दिया. फिर मोदी जी के वहाँ से फ़ोन, राहुल जी का खुद फ़ोन आया. मैं बोला भैया कोई गलती हो गई तो आके चाटा मार देना, लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का अब नहीं बोलना मुझे. मीनिंग ओशो यूज़ टू से कि जीवन में गरीबी भी है अमीरी भी है, तुम्हें चूज़ करना है. और मुझे लगा पॉलिटिक्स एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ये यहाँ नहीं जी सकते. लेकिन वो तो कीड़ा था कि देश को कैसे बदला जाए. तो गांधी जी कहते थे द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस. बोला चलो गांव में जाके काम करते हैं. और लगन पिक्चर छोड़ के मैंने कभी गांव नहीं देखा था, मुझे मराठी नहीं आती थी. और ये समझ में तो आ गया था कि ये देश बदलेगा तो मूवमेंट से बदलेगा. अभी तक जो भी देश में बड़े बदलाव हुए हैं वो मूवमेंट से हुए हैं. फिर वो गांधी जी वाला हो कि इमरजेंसी विरुद्ध हो, या मंदिर मंडल या लेटेस्ट अन्ना मूवमेंट. लेकिन ये सारे नेगेटिव मूवमेंट्स थे, मुर्दाबाद मूवमेंट थे. ये तो पता था कि बिल्डिंग कैसे गिराएं, लेकिन नया बिल्डिंग कैसे बनेगा उसका ब्लूप्रिंट क्या प्लान लिए बिना हम लोग तोड़ने चले गए थे. मुझे लगा कि हम लोग मूवमेंट करें और जिंदाबाद मूवमेंट करें, प्रो डेवलपमेंट मूवमेंट करें. तो मैंने सोचा कि वर्स्ट एरिया कौन सा, मराठवाड़ा, हाईएस्ट सुसाइड्स. उसके अंदर वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा, बोले बीड. बीड के अंदर वर्स्ट तालुका कौन सा, तो एक अष्टी था और एक परली था. तो इंडिया का इरिगेटेड एवरेज 40% था, तो परली का 1.72 था. खूब सुसाइड होते थे. मैं बोला चलो वहीं जाके काम करें. मैंने अपना फ्लैट ब्लैट सब बेच दिया और बोला बाकी का जिंदगी सेवा ही करते हैं. 84 लाख जन्म के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए तो नहीं कि हम लोग हॉलीडे करें, फैमिली करें, पिकनिक करें, मजे करें, पैसे कमाए. देर इज टू बी अ मोर मीनिंग, मोर पर्पज इन लाइफ. तो अभी मैं, मुझे समय की बहुत मर्यादा है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा. तो बोले मनुष्य जीव तो मिल गया, तीन टॉप के काम करने हैं तो क्या काम करेंगे. तो नेचर को करेंगे, एक पेड़ लगाते हैं तो करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, बीज, एनिमल्स, गरीब से गरीब आदमी को कैसे सेवा करें.
और इंडिया को वापस पावरफुल कैसे बनाए, सोने की चिड़िया इंडिया को कैसे बनाया जाए। मेरे पास कोई संगठन नहीं था, मैं अकेला था, लेकिन थोड़ा पागलपन था। तो ये जुनून जो है पागलपन के चलते ही जो भी मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एक 5 मिनट की फिल्म है, इसको देख लीजिए। नमस्कार, कैसे है? गांधी जी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। जब मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सुसाइड मराठवाड़ा में हो रहा है, उसकी वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बीड है, और उसके अंदर परली तालुका जो है 106 गांव का, इंडिया का वाटर के एवरेज इरिगेटेड एरिया इज 40%, परली का 1.72% है, और ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे 3,500 रुपया मंथली इनकम थी टिपिकली, और डिप्रेशन में थे, पूरी जनता डिप्रेशन। तो इतनी पॉवर्टी थी, इतना डिप्रिवेशन था, कोई हेल्प नहीं था, और 8 साल में 6 ड्रॉट हो चुके थे। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूं। जैसे अपने शरीर के अंदर 70% पानी की मात्रा होती है, वैसे यहाँ के प्रॉब्लम भी 70% पानी के कारण है। हमारा काम यह है कि दौड़ती हुई नदी को चलना सिखाना है, चलती हुई नदी को रुकना सिखाना है, और रुकी हुई नदी को जमीन के अंदर परकोलेट सिखाना है। अप्रैल 15 से लेके मई के एंड तक का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया, लोगों को तैयार कर दिया, गमेला पावड़ा सब लेके सुबह 5-5:30 बजे हमने सब घर के ऊपर बाहर ताला मार देते थे और सबको बाहर निकालते थे, बोलो चलो अब घर में कोई नहीं जाएगा, और 45-48 डिग्रीज का टेम्परेचर, सुबह 9 बजे तक काम करते थे वो 3 घंटा, और शाम को 6 बजे से रात को 1-1.5 बजे तक काम करते थे। यानी इट बिकेम लाइक अ फेस्टिवल ऑफ चेंजिंग देयर लाइफ्स। तो ये जो माहौल बनाना, उसके चलते हमने 70 किलोमीटर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाई, 162 तालाब बनाए, ये बड़े वाले 5 डैम बनाए, इसे छोटे वाले जो डैम है वो 62 बनाए, और अभी आप देखोगे जो 400 500 600 फुट के ऊपर क्वार्टर टेबल था वो अब 40-50 फुट पे आ गया। 3-4 साल पहले जब हम आए थे ना तो पूरा सूखा था, अब पूरा देखो सब जगह नजर पड़े वहां तक ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ओवर रेटेड है। आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इनकम को तो किसान के अंदर कैपेसिटी है, वो हेल्थ केयर भी देख लेगा बच फैमिली की और एजुकेशन भी देख लेगा। एक सिंगल पॉइंट पे काम करना है तो इनकम। यहाँ पे ना टिपिकली कॉटन और सोया होता था, तो हमने सोचा हम किसान के खेत में अगर चेंज कर देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो अगर जो आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर हम कर सकें तो इनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। और दैट इज द थॉट विच वॉज देयर कि मल्टीप्लाई कैसे करें इनकम देश बदलने के लिए। अब फ्रूट का ट्री लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई हमने डिस्कवर नहीं किया कि फ्रूट के ट्री लगाओ और जैसे कोई वर्ल्ड चेंजिंग कोई डिसीजन लिया। लेकिन मुझे फ्रूट प्लांटेशन के अंदर 3 गैप्स दिखे। पहला गैप ये था कि जो फ्रूट का प्लांट होता था ना उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी। तो हम इंडिया में घूम के बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल उनको सैपलिंग्स वगैरह ला के दिए। सेकंड गैप हमें ये दिखा कि जो पारंपरिक जो मेथड से फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग सालों सालों से चल रहे हैं, बाप दादा वो, और रेजिस्टेंस भी इतना होता है ना चेंज करने को, तो मुझे तो लगा कि इसको मैरी करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तरीके में भी बहुत अच्छा ही है, बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है, लेकिन हमने उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, ट्रेनिंग्स रख दी है, हर 10 दिन में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर दिया।
तीसरा वाला जो गैप था ना वो सबसे क्रूशियल था। 2019 में हमने 1.46 लाख पपाया के पेड़ लगाए और एक जगह पे एक क्लस्टर में प्रोडक्शन होने के कारण दिल्ली से, गुड़गांव से, मैसूर से, कलकत्ता से सारे व्यापारी आ गए और यहाँ होटल के अंदर रूम बुक कर दिया और फार्म गेट के ऊपर से बहुत अच्छा रेट दे के लेके गए। तो सडनली हमको समझ में आ गया कि जब स्केल के ऊपर काम करते हैं ना तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मार्केट आपके पास आता है। 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की इनकम किसानों की हो गई है। अब ये वर्स्ट एरिया में अगर हो सकती है तो बाकी के देश में क्यों नहीं हो सकती? एक फॉर्मूला मिल गया ना, अब फॉर्मूला मिल गया देश बदल सकता हूँ, ये कन्विंस हो गया हूँ, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया है। अब लगता है जल्दी से जल्दी लोगों, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, जितने लोगों, और वहाँ पे मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। गाँव में जहाँ 65% इंडिया रहती है, वहाँ के गरीब की जिंदगी अगर हम बदलते हैं तो ये देश बदल जाएगा। तो अभी वहां से शुरू किया, अभी 24 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, 2.5 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, 65,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की लाइफ चेंज हो गई है। तो मोटा मोटा ये एक एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमने वर्स्ट जगह पे लेके कंफर्म कर लिया कि जो फार्मर 10 से 40 हज़ार रुपये एकड़ कमाता है वो 1 लाख रुपये के ऊपर कमाएगा। टिपिकली 2-2.5 लाख कमाता है लेकिन हम कंजर्वेटिवली 1 लाख प्लस कहते हैं। तो आप सोचिए, वापस इंडिया सोने की चिड़िया नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। तो अभी ये सब जगह काम करते हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और इस प्रकार के सबकी इनकम बढ़ गई है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर अभी वो नया ESG निकला, इसलिए मैं ESG दिखाता हूँ कि एनवायरनमेंट में हमने 222 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज किया, इतना सब काम किया है, 2.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं, 2.5 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर किया है, कार्बन कंटेंट सॉइल में बढ़ाने की कोशिश करें। फार्मर को एक्चुअली हम लोग सॉइल, वाटर और प्लांट्स, ये तीन एस्पेक्ट के ऊपर खूब काम करते हैं। सॉइल तो मेरे लिए अभी आजकल तो मेरा पूरा लाइब्रेरी सॉइल से ही भरा पड़ा है, दोपहर शाम सॉइल ही पढ़ता हूँ। ये बड़ा चैलेंज है विश्व के सामने, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। मैंने कहा था ना कि समय कितना है एक टू मिनट में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो नहीं, मुझे मेरी वाइफ बोलने नहीं देती तो बाहर जाता हूँ। तो मूवमेंट खड़ा करना था, इसलिए हम लोग दारूबंदी का बहुत बड़ा मूवमेंट किया। लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आए मशाल लेके और उससे पूरा मूवमेंट खड़ा किया हमने। और फिर ये हमारे गवर्नेंस एस्पेक्ट्स हैं सारे। उसके साथ में हम भी, कच्छ एक हिस्टोरिकली वाटर डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट हैं और वहाँ पे अगर पानी आ जाता है तो कच्छ से बेटर कोई डिस्ट्रिक्ट देश में नहीं बन सकता है। तो हम लोग एक मूवमेंट वहाँ भी शुरू किया, लोगों का मूवमेंट किया है। 33 विलेजेस में इस समय एक साथ में पानी का काम हो रहा है, 160 जगह पे सर्वे हो चुका है। सो नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू एक्सपांड दैट। और फार्मर के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे ही मैं वर्क कर रहा था कि 700 करोड़ फल के पेड़ लगते हैं देश में, और 700 एवरेज पकड़ लें तो 1 करोड़ फार्मर फल के पेड़ लगाते हैं, और मेरा फंडा ये बता रहा है कि फल के पेड़ लगाने से इनकम काफ़ी बढ़ती है। तो उनको कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनको एक्सेस नहीं है सब नॉलेज का। तो एक बहुत बड़ा सेंटर मैं शुरू कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन चालू है, जहाँ पे पूरी इंडिया के फार्मर्स के लिए ये एक मैग्नेट बन जाएगा। और सॉइल, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे मीनिंग, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी का, ये परली में एट मराठवाड़ा, तो मुझे हमेशा लगता है कि गरीबी कहाँ से शुरू होती है। जब हम प्लेन में जाते हैं और छोटे छोटे वो जिक्सो जैसे टुकड़े दिखते हैं ना, वो ही शुरू होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। एक जनरेशन के बाद उसके 3 टुकड़े, फिर 3 टुकड़े, टुकड़े इतने छोटे हो गए कि मुझे लगता नहीं है कि कोई बेचारा अपना फैमिली को ध्यान रख पाएगा, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं। और फिर वो शहर में आते हैं, वहाँ पे स्लम्स में रहते हैं, तो पुअर, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, ये सब का कारण है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड।
और जितनी जमीन हमारे पास एरेबल लैंड है उसका 2/3 2/3 खाली चाइना के पास है, पर चाइना अपने से 3 times ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो यील्ड पर एकर अगर हम लोग 4 times अगर नहीं करेंगे तो इस समस्या से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे हम सेंटर बना रहे हैं कि कैसे इसका यील्ड पर एकर 3 times 4 times किया जाए यूजिंग सॉयल वाटर फर्टिगेशन मेथड्स। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस वर्क चल रहा है। ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी एडवाइजरी बॉडी है, और मार्गरेट मीड कहती थी नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल पीपल कैन चेंज द वर्ल्ड, इन फैक्ट इट्स द ओनली वन दैट कैन। थैंक यू सो मच।